सो हाई, दिस इज़ मी दीपक हियर, एंड आज डिस्कस करते हैं कुछ ट्रेड के ऊपर जो मेरा प्रैक्टिकल ट्रेड था. एंड मेरा एक्सपेक्टेशन ये था मार्केट से, मैंने जो भी डेटा कलेक्ट किया था, जो भी एनालिसिस किया था मैं, उसके हिसाब से मुझे लगा था मार्केट यहाँ से बेरिस या फिर साइडवेज हो सकती है, बस थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ हो सकती है. मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, एंड मेरा मेरा जो भी एनालिसिस था ये था. बट जो भी मैंने एनालिसिस किया था वो पूरा का पूरा मेरे अगेंस्ट गया, एंड फर्दर जो भी मैंने ट्रेड डाला था उस ट्रेड में मुझे लॉस होने लगा. सो कैसे मैं उसे हैंडल किया, एंड मॉडिफिकेशन कैसे किया, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ था, वो सारा कुछ अपन डिस्कस करते हैं अभी इस वाले ट्रेड में. ठीक है, सो स्टार्टिंग से देखते हैं कि पहले बेसिक बेसिक सा जो मेरा सेटअप था वो ट्रेड का वो क्या था, इनिशियल मैंने कहाँ से स्टार्टिंग किया था. सो इनिशियल मेरा ये था, 14,900 का कॉल था मेरे पास, एंड 15,000 का मेरे पास कॉल था. बेसिकली मैंने पुट स्प्रेड में यहाँ पे एंट्री लिया था. ठीक है, 14,000 और 15,000 पे ये पुट स्प्रेड बनाने के बाद मुझे 31 रुपीज़ का क्रेडिट यहाँ से मिल गया. ठीक है, और ये मैंने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था. सो ये जब ट्रेड में डाला था, आई थिंक मार्केट वहाँ पे 14,200 समथिंग ट्रेड कर रही थी, तो जाके मैं ये ट्रेड डाला था. ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं ठीक ठाक गैप भी लिया था मार्केट से, क्योंकि मैं सोचा था कि अगर चलो ठीक है, मार्केट थोड़ा अपसाइड भी जाता है तो कोई बात नहीं है. बट 14,200 के बाद मार्केट यहाँ पे 14,850 के पास आ चुकी है मार्केट, एंड मार्केट अभी 14,800 ट्रेड कर रही है. सो ऐसा होने से क्या है कि मेरे ट्रेड में जो भी मैंने ट्रेड डाला था उसमें नुकसान होने लगा, लॉस होने लगा, क्योंकि जो ट्रेड था वो मेरा बुलिश साइड का, बेरिश साइड का था, मार्केट अपसाइड की तरफ चलने लगी. ठीक है, सो बट मॉडिफिकेशन करना था, एडजस्टमेंट तो करना था, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस ट्रेड को लेके. सो मेरा इनिशियल ये था. अब देखिए, इसको दो तीन तरीके से मैं एडजस्ट कर सकता था. पहला क्या था कि हम इसे रोल अप कर लेते हैं. ठीक है, रोल अप ऊपर के साइड में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी 14,900 है, तो इस ट्रेड को हम आगे की तरफ मूव कर देंगे, लाइक 15,300, 15,400 समथिंग, एंड अच्छा खासा क्रेडिट लेके हम यहाँ पे फिर से फर्दर मार्केट में एटलीस्ट सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर किसी भी गैप को मेंटेन कर पाएंगे. सो वो कर सकते थे, एंड ये करने पे हम क्या है कि एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल जोन में बैठ सकते थे. सो पहला क्या कि रोल अप कर सकते थे. दूसरा, इस ट्रेड में जो हम कर सकते थे वो ब्रेक कर सकते थे. ठीक है, इस ट्रेड को, मतलब कि अगर मैं ये देखूँ 20,000 एंड 13,000 अप्रॉक्स कुछ 7,000 का मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे. तो 7,000 को क्या है कि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता, 3,500 3,500 करके, कॉल एंड पुट में डिवाइड करके मैं कोई स्ट्रेटजी प्ले कर देता, लाइक शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर काउंटर्स या फिर ऐसा कुछ भी रेशियो स्प्रेड करके मैं इसको मेंटेन कर सकता था. ठीक है, सो पहला में क्या था कि रोल अप कर सकते हैं, दूसरे इस ट्रेड को ब्रेक कर सकते हैं, और तीसरा जो था वो मॉडिफिकेशन कर सकते थे हम इस वाले ट्रेड में, जो मैंने प्रैक्टिकल इस ट्रेड में किया था. बट मॉडिफिकेशन करते समय क्या है कि मार्केट ने कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था एंट्री लेने में. बट उसका भी सॉल्यूशन था कि हम कैसे फर्दर अपने ट्रेड को, मतलब कैसे भी करके एंट्री लेके चीज़ों को मैं क्लियर करने की, मतलब एंट्री ले पाऊँ. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमारा तो पहला एक ट्रेड जो था हमने ये इनिशियल था. ठीक है, दूसरा में हमने एंट्री लिया ये 13,700 में. सो इस ट्रेड में मॉडिफिकेशन ये किया कि मैं इसको जेट लिजार्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था. सो पुट साइड को मैं नेकेट सेट कर नेकेट सेल करके जो भी मेरा लॉस था वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग यहाँ पे. बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जब से मैं ट्रेड डाला तब से मार्केट सिर्फ अपसाइड की कंडीशन, मतलब अपसाइड ही जा रही थी, अप अप अप, एंड सिर्फ अपसाइड ही जा रही थी. सो मुझे पुट साइड में एंट्री का मौका ही नहीं मिल रहा था. रीज़न क्या था कि अपसाइड जाने से पुट साइड की प्रीमियम काफ़ी टूट रही थी. सो मुझे प्रीमियम अच्छे नहीं मिल रहे थे, बहुत चीप रेट के मिल रहे थे. सो सेलिंग करने का कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था. सो मैं दो तीन दिन वेट भी किया कि चलो ठीक है, मार्केट एक बार क्रैश हुआ या फिर नीचे साइड में आया तो मुझे अच्छा प्रीमियम मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा. बट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला ऐसा, मार्केट हमेशा अपसाइड की तरफ मूव करने लगा. सो ये चीज़ था. बट अपन क्या कर सकते थे कि हम पार्टिकल्स में एंट्री लेना मैंने शुरू कर दिया. लाइक अगर ये देखे तो 300 क्वांटिटी है, एंड मेरा ये 13,700 क्या है, 150 के क्वांटिटी में है. सो मैंने एंट्री एटलीस्ट 50% क्या था, मैं क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री, मतलब जो मुझे एंट्री लेना था 13,700, 50% क्वांटिटी मैं एंट्री कर लिया. ये करने के बाद मेरा प्लानिंग ये था, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ गए ठीक है तो मैं इस 54 रुपीज़ को इंजॉय करूँगा. अदर अगर मार्केट, सेकंड कंडीशन क्या था कि मार्केट नीचे की तरफ गई ठीक है, तो मुझे दोबारा से चांस मिलेगा अपने अपने 150 क्वांटिटी को ऐड करने का, मतलब 54 रुपीज़ से ज़्यादा, मतलब कि अच्छे खासा प्रीमियम लेने का मैं ये, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता जहाँ से मैं
150 क्वांटिटी और सेल कर पाता, एवरेज रेट मुझे, एवरेज रेट मुझे अच्छा मिल पाता, ठीक है। सो बट वहाँ के बाद क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करने लगी फर्दर। सो आप देख रहे हो ना, जो 54 का मैंने जो सेल किया था वो अब क्या है, 32 रुपीज़ हो गया, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर होने की वजह से। सो अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, बट एंट्री तो लेनी है क्योंकि लॉस को कवर करना है। सो मेरा थर्ड स्टेप क्या था, मैं वीकली में एंट्री मार लिया 14,450 क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी 14,450 पुट में, ठीक है, वीकली में, वो 3 4 दिन में एक्सपायरेशन होने वाला है। सो इसका जो मैं 30 रुपीज़ पर सेल कर दिया, यहाँ पे क्वांटिटी क्या था 75। फिर से मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी लेने का रीज़न ये नहीं, ये नहीं था क्योंकि अगर मार्केट नीचे आया तो मुझे, मैं इस रेट को फर्दर मैं क्या मतलब एवरेज कर पाऊँ, इसलिए मैं 75 मतलब एक ही लॉट कर पाया हूँ। सो 300 क्वांटिटी के सामने क्या आ गया हमारा, 225, 4 लॉट के सामने 3 लॉट आ गया, ठीक है। तो एक अच्छा खासा मैं लॉट्स में बैठा हूँ ठीक ठाक में। सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो भी पुट साइड का प्रॉफिट है मैं इन्जॉय करूँगा, अदरवाइज डाउन साइड भी आता है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब मेरा अभी खिड़की खुला हुआ है कि मैं दोबारा से एंट्री ले पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरा प्लानिंग है, और फर्दर इस ट्रेड को मैं प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर पाऊँगा कुछ दिनों में, जस्ट लाइक सी दैट मार्केट कैसे बिहेव करता है, एंड 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 बस प्लानिंग करते हैं। सो ये मेरा कुछ आइडिया था जो प्लानिंग है इस ट्रेड को लेकर। सो मैं सोचा कि चलो ये लूजिंग, ये क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, वो ट्रेड एग्जिट कर सकते। इसके पहले मेरे पास आई थिंक बहुत सारे ट्रेड्स थे जो मैंने प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट किया, 10 ट्रेड्स ऐसे थे जो मैंने प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट में थे वो मैंने बुक कर दिया, पर 10 ट्रेड में एक जो ट्रेड है जो मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस ट्रेड में, जो जो मैं इसे एडजस्ट करके फाइनली मैं इसे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट फाइनली मैं इसे प्रॉफिट में एग्जिट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दैट वॉज द आइडिया, एंड ये मेरा आइडिया था, दैट्स वाई मैं सोचा कि चलो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं। होप आपको कुछ प्रॉफिटेबल होगा एंड फ़ायदा हुआ होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिस्कशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी @8804038785। तब तक के लिए बाय बाय, मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।